नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या हरियाणा ग्रंथ अकादमी आरएसएस की विचारधारा को हरियाणा में थोपने का काम कर रही है और प्रदेश की संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत है, इसी को लेकर के आज खास बातचीत में हमारे साथ हैं हरियाणा ग्रंथ अकादमी के निदेशक प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान, जिन्हें खास बातचीत में शामिल कर रहे हैं पल पल के प्रधान संपादक सुरेंद्र भाटिया। और जानते हैं हरियाणा ग्रंथ अकादमी हरियाणवी संस्कृति के बारे में क्या कहती है। वीरेंद्र सिंह चौहान से बेबाक बातचीत में। नमस्कार, आज हम हैं पंचकुला में और हमारे साथ हैं हरियाणा ग्रंथ अकेडमी के उपाध्यक्ष एवं निदेशक प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी। हम उनसे जानेंगे हरियाणा ग्रंथ अकेडमी क्या कार्य कर रही है और उन पर क्या आरोप लग रहे हैं। प्रोफेसर साहब जी, ये हरियाणा ग्रंथ अकेडमी को हम समझना चाहेंगे पल पल के पाठकों के लिए भी और श्रोताओं के लिए भी, वास्तव में इसका कार्य क्या है। देखिए भाटिया जी, सबसे पहले तो ग्रंथ अकादमी के कार्यालय में मैं आपका स्वागत करता हूँ, हृदय से आपका अभिनंदन करता हूँ। ग्रंथ अकादमी की दो तीन भूमिकाएं हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उसकी है विश्वविद्यालय और महाविद्यालय स्तर के जो ग्रंथ हैं, पुस्तकें हैं, वो हिंदी भाषा में तैयार कराए जाएं, लिखवाए जाएं, प्रकाशित किए जाएं। एक बड़ा काम ग्रंथ अकादमी के जिम्मे ये है। दूसरा, हरियाणा की संस्कृति, इतिहास, हरियाणा की कला, इनसे जुड़ी पुस्तकें नई लिखी जाएं, उनका प्रकाशन किया जाए। इसके अतिरिक्त एक काम हमारे जिम्मे है कि प्रदेश में भाषाओं के प्रति लोगों के मनों में एक नई चेतना जागृत की जाए, लोग भाषाओं के प्रति सचेत हों, सजग हों, और खास तौर पर क्योंकि हम हिंदी भाषी प्रदेश हैं तो हिंदी भाषा के प्रति लोगों के मन में ऊर्जा नई किस्म की पैदा हो, हिंदी के प्रति लगाव, हिंदी के प्रति अनुराग लोगों के मन में पैदा हो। ये दो तीन तरह के काम मूलतः हरियाणा ग्रंथ अकादमी के जिम्मे। आपने अब तक कोई एक उल्लेखनीय कार्य, कोई एक ग्रंथ प्रकाशित किया हो हरियाणा की लोक संस्कृति पे किया हो? ऐसे कई पुराने ग्रंथ हैं, हस्तलिखित हैं और उनकी मूल प्रतियां बहुत छत विचित हालात में हैं, ऐसा भी कोई कार्य किया हो तो वो? देखिए, जहां तक पुस्तकों के प्रकाशन का सवाल है, पिछले दो तीन वर्षों के दौरान जब से हम लोग यहाँ हैं दर्जन भर नई किताबें प्रकाशित हुई हैं। इसमें अधिकांश जो पुस्तकें जो छपी हैं विश्वविद्यालय स्तर के ग्रंथ हैं, उसमें ग्रंथ का अभिप्राय कोई पौराणिक ग्रंथ, प्राचीन ग्रंथ यही नहीं है, ग्रंथ अर्थात अच्छी पुस्तक। तो वो पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, उनमें प्रदेश के सांस्कृतिक और साहित्यिक या संगीत से जुड़े, लोक संस्कृतियों से जुड़े हुए कई पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। पंडित लक्ष्मीचंद के जीवन को समर्पित पुस्तकें हैं। हमारी जो सबसे पॉपुलर किताब है हरियाणा ग्रंथ अकादमी की, जो बहुत ज़्यादा मात्रा में बिकती है, लोग जिसको मांगते हैं, वो पंडित लक्ष्मीचंद की ग्रंथावली है। ऐसे बाजे भगत हैं, उनकी ग्रंथावली है, पंडित मांगेराम शर्मा की ग्रंथावली है। ऐसे ही और जो प्रदेश में संत हुए हैं, जिनका साहित्य है, जिन्होंने कविताएं ऐसी की जिसका हरियाणा के लोक जीवन पर असर है, उनसे जुड़ी पुस्तकें अनेक इस अवधि में प्राप्त हुई हैं और हमने उनको प्रकाशित भी किया है। करीब करीब 40 पुस्तकें अभी हाल प्रकाशनाधीन हैं, आने वाले 3-4 महीने में वो प्रकाशित होकर के सामने आएंगी। ये बात आपने जो बताई बहुत अच्छी बात है। पंडित लक्ष्मीचंद पे बहुत कम लोग, हरियाणा के कुछ एक पॉकेट है जो जानती है और पूरा हरियाणा उनको नहीं जानता, जबकि वो बहुत बड़े विद्वान थे जी। ये अच्छी बात है, लेकिन आप पे एक आरोप ये लग रहा है भी, एक आरएसएस की जो विचारधारा है केवल उसी को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो विरोधी या कुछ लोग आरोप लगाते हैं, तो इस पे आप क्या कहें? देखिए, इस आरोप में कहीं कोई तत्व नहीं है। आरएसएस की विचारधारा को अगर कोई यूं कहता है कि हम उसको बढ़ावा दे रहे हैं, तो हमको उसमें कतई कोई संकोच भी नहीं है उसको स्वीकार करने में। आरएसएस की विचारधारा कोई अछूत चीज है क्या? आरएसएस की विचारधारा कोई त्याज्य विचारधारा है क्या? आरएसएस की विचारधारा का अर्थ भाटिया जी है राष्ट्र प्रेम। आरएसएस क्या कहता है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहता है, और उसकी विचारधारा कहती है कि हम अपना जीवन भारत को, भारतीयता को, राष्ट्र को समर्पित होकर जिए।
संघ स्थान पे शाखा में हर दिन जो प्रार्थना करते हैं आरएसएस के स्वयंसेवक, वो कहते हैं परम वैभवम नेतुम एतत् स्वराष्ट्रम, हम अपने देश को अपने राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाना चाहते हैं। अब ये विचारधारा जो भारत माता की जय की विचारधारा है, अगर कोई संस्था संगठन इदारा उसको प्रमोट करता है तो साहब अच्छा काम कर रहा है, उसका अभिनंदन करना चाहिए। दूसरी बात, कई बार कहने के लिए लोग कहते हैं कि आरएसएस की विचारधारा को केवल प्रमोट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। संघ की विचारधारा वो किसी एक संगठन की विचारधारा के रूप में उसको हम देखते नहीं है, समझते नहीं है। संघ की विचारधारा राष्ट्र की विचारधारा है, देश की विचारधारा है, वो संकीर्णता की विचारधारा नहीं है, वो सबको साथ लेकर चलने की विचारधारा है। मुझे तो समझ नहीं आया कि आप आरोप कहां से लेकर आए, लेकिन कोई अगर ये आरोप लगा भी रहा है तो उसको सामने आकर इसको प्रमाणित करना चाहिए। नहीं, आप पे ये जो आरोप लग रहा है, जो लोग आम भाषा में जो बात करते हैं उनका ये कहना है आप केवल उसी विचारधारा को आगे लेके जा रहे हो जो आरएसएस से लोग जुड़े हुए हैं। दूसरे समाज में कोई कांग्रेस का हो सकता है, कोई इनेलो का हो सकता है, किसी और समाज से हो सकता है, तो अगर कोई ऐसा विद्वान उनकी विचारधारा से है तो उसको बढ़ावा नहीं दे रहे, केवल आरएसएस के विद्वानों को बढ़ावा दे रहे हैं। भाटिया जी, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, पहली बात तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा कांग्रेस को भी पराया नहीं मानती, वो इंडियन नेशनल लोकदल को भी पराया नहीं मानती। अगर आरएसएस की विचारधारा की बात करें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो ये कहता है कि समाज को सारे को साथ लेकर चलना है और उसमें सब विचारधाराओं के लोग हैं और हो सकते हैं। रही बात हमारी हरियाणा ग्रंथ अकादमी की या वर्तमान सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की मनोहर जी की अगुवाई में चलती है, या जो ग्रंथ अकादमी के आज अध्यक्ष भी हैं मुख्यमंत्री होने के नाते, मुख्यमंत्री मनोहर जी की विचारधारा भाटिया जी ये है सबका साथ सबका विकास। तो कोई एक व्यक्ति इस प्रदेश में ये आरोप नहीं लगा सकता, कोई एक लेखक ये आरोप नहीं लगा सकता कि उसका तिरस्कार हमने इसलिए कर दिया हो कि उसकी विचारधारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मैच नहीं करती। विचारधारा के आधार पर ना हम किसी को छूत मानते हैं ना किसी को अछूत मानते हैं। मैं चुनौती के साथ कह सकता हूं कोई एक व्यक्ति खड़ा होकर के ये कह ही नहीं सकता। हमारे यहां कार्यक्रमों में घनघोर वामपंथी भी आ जाते हैं, उनको भी सुनते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि जब वो आते हैं और अपनी देश विरोधी बातें करते हैं तो हम उनकी धज्जियां भी उड़ाते हैं। साहब, प्रजातंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, और जैसे किसी कन्हैया कुमार को देश के खिलाफ बोलने का अधिकार संविधान में अभिव्यक्ति की आजादी के तहत मिला हुआ है, कन्हैया कुमार जैसे देशघाती लोगों को बेनकाब करने का भी हमारा अधिकार भी और हमारी जिम्मेदारी भी। साहब, आपने बहुत अच्छे ढंग से अपनी ग्रंथ अकेडमी की और अपनी विचारधारा को, मैं ये तो नहीं कहूंगा भी थोपने की कोशिश की, बिल्कुल भी बड़े तर्क संकट ढंग से आपने ये बात कही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। शुक्रिया।